रायगढ़ जिले की छाल पुलिस ने SECL लात खदान के अंदर से पानी निकासी के लिए लगाए गए लोहे का पाइप चोरी करने वाले आरोपी उमेश अगरिया को पकड़कर 2 क्विंटल वजनी पाइप बरामद किया है। बालोद कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आंध्र प्रदेश पासिंग बोलेरो वाहन को रोककर वाहन के स्टेपनी से 4,10,000 रुपए कीमत का 41 किलो गांजा जब्त किया गया है। कांकेर जिले की थाना पुलिस ने युवती से नौकरी लगाने के नाम पर 8,00,000 रुपए की ठगी करने के आरोपी दंपत्ति राजेश्वर एवं लता निषाद को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपीगण राजेश्वर निषाद कोयलीबेड़ा ब्लॉक ग्राम पंचायत जनकपुर में पंचायत सचिव था तथा लता निषाद ग्राम कोलर में नर्स है। आरोपियों ने पीड़िता दुमेश्वरी साहू के भाई बहन को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर 8,00,000 रुपए की ठगी की थी। जांजगीर जिले के सारागांव थाना क्षेत्र में ईंट मिट्टी रखने के नाम पर हुए विवाद में छोटे भाई ने अपने परिवार के साथ मिलकर बड़े भाई बोटलाल सुरवंशी को मौत के घाट उतार दिया। सारागांव पुलिस ने मामले में शामिल 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सरगुजा जिले में प्रतापपुर थाना के खड़गवां चौकी अंतर्गत महानदी के टर्निंग पर पिकअप व ट्रक के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में पिकअप चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल ट्रक चालक को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर लाया गया, जहां जांच के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रायगढ़ के चकंदर नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक युवक से मारपीट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसने शराब के लिए युवक से पैसे मांगे थे, मगर उसने पैसे देने से इनकार कर दिया था, जिसके चलते आरोपी ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर युवक को डंडे से पीटा, जिसके अलावा उसके दुकान और ऑफिस में तोड़फोड़ भी की थी। कबीरधाम जिले के 3 ग्राम पंचायतों भागुटोला मैनपुरी और जेवड़न कला में शराब पर बैन लगा दिया गया है। इन गांवों में शराब बेचने या खरीदने पर 25,000 रुपए जुर्माना तय किया गया है। साथ ही अवैध शराब की बिक्री की सूचना देने वाले को 5,000 रुपए इनाम देने का ऐलान किया गया है। राजनांदगांव जिले की चिचोला पुलिस की टीम ने LB नगर मोड़ में नारायणगढ़ के पास नेवैत दुर्ग निवासी ठाकुर राम पटेल को घेराबंदी कर उसके पास से 3600 रुपए प्रतिबंधित कैप्सूल को जब्त किया गया है। राजनांदगांव जिले के बोरतलाब थाना क्षेत्र के ग्राम बरनार कला में पुलिस ने 13 जुआनियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने नगद और सामान मिलाकर कुल 21,37,000 रुपए जब्त किया है। सुकमा जिले में NH-30 पर हुए सड़क हादसे में DRG के 2 जवानों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जवान नक्सल ऑपरेशन पर गए हुए थे, लौटते समय जिला मुख्यालय से 2 किलोमीटर की दूरी पर ट्रक ने बाइक सवार जवानों को टक्कर मार दी। हादसे में DRG के 2 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई। गाड़ी खरीदने के लिए एक नाबालिग ने अपने ही 17 वर्षीय दोस्त का अपहरण कराया और उसके परिजनों से 20,00,000 रुपए की फिरौती मांगी। घटना के बाद 4.5 महीने से फरार 4 आरोपियों को धमतरी जिले की बीरजर थाना पुलिस ने रायपुर से पकड़ा है। गिरफ्तार आरोपी में 2 नाबालिग भी शामिल है, इसमें से एक मुख्य मास्टरमाइंड भी है जो पीड़ित के गाँव का ही है। जांजगीर जिले के ग्राम सेमरिया में अवैध शराब पकड़ने गई पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि 6 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। इस हमले में पामगढ़ थाना प्रभारी ओम प्रकाश कुर्रे और ASI शिव चंद्रा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सत्ता सुख भोग रहे मदरसा बोर्ड के सदस्य शकील मोहम्मद रिजवी ने एम्बुलेंस के बुजुर्ग चालक की पिटाई की। इस सदस्य की कार बीच सड़क में खड़ी थी। चालक की गलती इतनी थी कि उसी गाड़ी से इस सदस्य की कार में थोड़ा सा टकरा गई। इसके बाद इस सदस्य ने अपना आपा खोप दिया और बुजुर्ग चालक को लगातार कई थप्पड़ जड़ दिए।
बीजापुर जिले के तोयनार थाना क्षेत्र में कार और ऑटो के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में ऑटो में सवार एक महिला की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसा इतना जबरदस्त था कि ऑटो और कार दोनों के परखच्चे उड़ गए। रविवार की दोपहर बिलासपुर की ओर से बलौदा जा रही तेज रफ्तार कार हिंडाडी के पास अनियंत्रित होकर पुल से नीचे जा गिरी। नाले में करीब 3 फीट पानी था। पीछे चल रहे बाइक सवार युवकों ने कार सवारों को सकुशल निकाल लिया। रायपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे मुंगेली जिले के पथरिया थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद अनियंत्रित कार सड़क से नीचे उतर गई और कार चालक को भी चोटें आई हैं।